हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जीडीपी व्लॉग विथ माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज एक छोटे से राइड पे निकला हूँ गुवाहाटी टू नोंगफू की तरफ। तो गाइस अभी मेरे को बहुत लेट हो गया है, तो मेरे जो दोस्त लोग थे वो लोग जल्दी जल्दी निकल गए हैं। वो मेरे को भी फ़ोन कर दिया कि भाई तो आता रहे, हम लोग निकल गए। वो लोग 11 से 12 PM के बीच में वो लोग चले गए और मेरे को निकलते निकलते अभी बच गया है 3। तो जा रहा हूँ फटाफट से, अभी मीटअप होगा जाके, बहुत सारे दोस्त लोग आए हैं, सब लोगों के साथ बातें वातें करेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब कॉर्नरिंग वगैरह भी होगा उन लोगों के साथ। तो गाइस मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया था कि तुम अपने बुलेट पे कैसे कॉर्नरिंग लेते हो। तो गाइस मैं बोल देता हूँ, मेरा जो कॉर्नरिंग पीछे का बैक टायर है वो बहुत छोटा है, 110 साइज का, लेकिन मेरे को चलते चलते आदत हो गया है, तो अभी मैं उस पर कॉर्नरिंग वगैरह ले सकता हूँ। और गाइस बुलेट के साथ ज़्यादा शॉर्ट कॉर्नरिंग ले नहीं ले सकता, मतलब शॉर्ट कॉर्नर लेने पर जो फुटेज होता है फुटेज टच खा जाता है। वो अगर लेफ्ट साइड में होता है तो फुटेज, अगर राइट साइड में होता है तो ब्रेक वाला वो नहीं तो साइलेंसर कोई एक तो टच होगा ही होगा। और इसी के तहत वो चीज़ आपका बहुत मतलब भयानक कंडीशन खड़ा कर सकता है, जैसे कि अगर वो चीज़ मतलब टच हो गया है ज़मीन पे तो थोड़ा सा होने पर ही गाड़ी को मतलब सीधा कर दो, नहीं तो अगर ज़्यादा टच करवाओगे तो डायरेक्ट गाड़ी का जो बैक टायर होता है वो घूम जाता है। तो इसी के लिए उस चीज़ को हमेशा नोटिस करना हर वो बुलेट राइडर जो बुलेट चलाता है। लेकिन बाकी बाइक्स में आप आसानी से कॉर्नरिंग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो सब बनाते ही वैसे मतलब कंडीशन में चलाने के लिए। तो गाइस ब्लॉग को एंजॉय करो, अभी मेरे दोस्त लोग कॉर्नरिंग वगैरह लेने वाला है और मैं भी लूँगा, तो चलो अभी देखो। Tie me down, yeah.
die, so baby, it's useless. So don't try, cause you'll end up losing it. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down. वेल गाइस, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया कैसे कॉन्टेंट वगैरह मेरे दोस्त लोग दे रहे थे और मैंने भी लिया थोड़ा बहुत। तो अभी घर वापसी हो गया, जो रबर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, अभी डायरेक्ट 6 माइल होके घर चले जाएंगे। और इसी के साथ इसी ब्लॉग को इसके तहत अभी मैं एंड करने वाला हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना। तो बाय गाइस, ऑल ऑफ यू टेक केयर।